हेलो एवरीवन, नेटबुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए नेटबुक एकेडमी ने 2020 सीरीज़ को लॉन्च किया है, जहां पर हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से होंगे, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और भी सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। यह पहला पॉइंट है। यह एक मूल कर्तव्य नहीं है। यह दूसरा पॉइंट है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना ही दो। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। और इसके बाद में, यह एक मूल कर्तव्य नहीं है। जी हाँ, यह एक मूल कर्तव्य नहीं है, यह एक मूल अधिकार है। और तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसके आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संविधान में मूल रूप से 6 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं था। संविधान में 7 मूल अधिकार थे और जो 7वां था वही था संपत्ति का अधिकार, जो कि बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका आंसर होगा हमारा ओनली 1 ए। इसके हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 323 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ये बताइए कि प्रतिबंध किसने लगाया है। संविधान का 52nd व संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42nd अमेंडमेंट, संविधान का 44th अमेंडमेंट। देखिए, यह 52nd अमेंडमेंट है जो कि 10th स्केड्यूल को लेके आया था, जिसमें कि दल बदल कानून की बात की गई थी। इसके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 5th क्वेश्चन। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव वित्त मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद 6th क्वेश्चन। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि इन तीनों चीज़ों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके आगे 7th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सेकंड पॉइंट है, मूल संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य का उल्लेख था।
बताइए, इसका जो पहला पॉइंट है, बी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है, मूल संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य का उल्लेख था, यह गलत है, बल्कि जो मूल कर्तव्य थे वह बाद के जोड़े गए थे। तो इसका जो आंसर होगा ओनली वन हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। 8/7/1946, 15/8/1946, 22/10/1946, 6/12/1946। जी हाँ, इसका आंसर होगा 6/12/1946, यानी कि डी। इसके आगे बढ़ेंगे, 9th क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश राज्य का लोकसभा बराई सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे कम है। आप सभी जानते होंगे कि यह क्वेश्चन के दोनों जो बिंदु हैं वह गलत हैं, क्योंकि यूपी के सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं अगला सवाल, बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए किस वर्ष नियुक्त किया गया था। 1955, 1956, 1957, 1958। देखिए, इसका आंसर है डी, 1958। इसके आगे बढ़ेंगे, 11th क्वेश्चन, अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अब इसमें से बताना है कि दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं या एक और दो सही हैं। देखिए, यह दोनों एक दूसरे के उल्टे दिए गए हैं। आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक मामले में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है, वहीं पे 27 का उल्टा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह होगा डी। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है। निर्वाचन, अखिल भारतीय सेवा, आपातकाल और या तो भाषाएं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जी, यहाँ पे आंसर होगा बी, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिला समिति की संतुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमन भाई मेहता या जीवराजी मेहता। देखिए, जो पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, यानी कि बी। इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपयुक्त सभी। ये देखिए, मौलिक अधिकार जो हमारे रिट्स हैं 32 के अंदर हैं, वो सब मौलिक अधिकार चैलेंज किए जा सकते हैं बस, और कुछ चैलेंज नहीं होता आर्टिकल 32 के अंदर। इसके हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15th क्वेश्चन, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। और सेकंड पॉइंट है, 44वें संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल है, 44वें संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आप समझ गए होंगे
ये गलत है, ये 42nd था अमेंडमेंट जिसके अंदर ये सब किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर बनता है ओनली वन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। तो जो हमारे यूटीज हैं उनको कौन एडमिनिस्टर करता है, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, गृह मंत्री या फिर प्रशासक? देखिए इसका आंसर है ए, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा यह होता है। इसके बाद में हम 17 क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में वे मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने दिन बाद? इसका मतलब ये है कि कितने महीने तक या फिर कितने दिनों तक एक व्यक्ति बिना किसी भी सदन का सदस्य रहे मंत्री पद पर रह सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? देखिए इसका उत्तर है 6 महीने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है पंचायतों का गठन, और अनुच्छेद 44 में हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? सो इसको हम देखेंगे आर्टिकल 369, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 और अनुच्छेद 372। जो विशेष स्पेशल स्टेट्स किसके अंदर दिए गए हैं? इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो संयुक्त बैठक होती है वह किस संबंध में होती है? तो संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक? यहाँ इसका आंसर होगा साधारण विधेयक। इसके बाद में यहाँ पे हमारे आंसर्स दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और हम ऐसे ही आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।